नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से आप पुस्तक, गणवेश और साइकिल के एंट्री के लिए एसएससी छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप किस प्रकार से अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप संकुल से प्राप्त पुस्तक की प्रविष्टि किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको संकुल से प्राप्त जो पुस्तक है उसको पहले आपको वेरीफाई करना है, फिर दर्ज संख्या के अनुसार आपको उसको वितरण करके उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर इस प्रकार से ssschattisgarh.gov.in टाइप करके सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए, राइट साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है बुक यूनिफॉर्म साइकिल, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको दो लॉगिन दिखाई पड़ रहा है, स्कूल लॉगिन और क्लस्टर लॉगिन। तो यहाँ पे आपको स्कूल लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है, समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे दिया गया स्कूल लॉगिन, तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। चलिए अब यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन करनी है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको अपने ब्लॉक या फिर जिला के MIS ऑपरेटर से संपर्क करना होगा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो आप चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है स्कूल प्रोफाइल, तो हमने स्कूल प्रोफाइल पहले ही अपडेट कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सेकंड टैब टेक्स्ट बुक PS और MS, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जिसमें देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको पहला एनरोलमेंट एंट्री, फिर आपको दिखाई पड़ रहा है वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल। यदि आप डायरेक्ट वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि कृपया पहले दर्ज संख्या की एंट्री पूर्ण करें। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है इनरोलमेंट एंट्री, आपको क्लिक करिए हमको, यानी कि आपको बारी बारी से हर एक स्टेप को फिल करते जाना है। तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट एंट्री पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इनरोलमेंट एंट्री पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। तो इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको स्कूलों में दर्ज बच्चों की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्लास दिया गया है क्लास वन बालक बालिका, इस प्रकार से आपको क्लास वाइज बालक बालिका के अलग अलग दर्ज संख्या अब आपको प्रविष्ट कर देनी है। चलिए हम जल्दी से प्रविष्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लास वाइज बालक बालिका की अलग अलग दर्ज संख्या प्रविष्ट करने के बाद आपको नीचे में देखिए कुल बच्चों की संख्या आपको दिखाई पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि आपने जो दर्ज संख्या प्रविष्ट की है वो बिल्कुल सही है, तो फिर आपको ये सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये कन्फर्मेशन मांगेगा, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद देखिए, आपको जो सेकंड टैब दिया गया है वेरीफाई बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम संकुल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकंड टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। इसमें दिया गया है संकुल से प्राप्त किताबों का सत्यापन, यानी कि आपको जो संकुल से आपको पुस्तक प्राप्त हुई है उसकी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, सीसी के माध्यम से एंट्री कर दिया गया है इसको आपको। तो इस प्रकार से संकुल से प्राप्त किताबों का हमको सत्यापन करना है। CSE के माध्यम से आपको जितनी भी पुस्तकें दी गई है संकुल के माध्यम से उसकी प्रविष्टि उनके द्वारा कर दी गई है, उसकी संख्या यहाँ पे आपको क्वांटिटी में दिखाई पड़ रही है। इसको देखने के बाद इसको आपको सत्यापन करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपको देख लेनी क्लास वाइज आपको कौन कौन सा कितनी कितनी पुस्तकें आपको संकुल से प्राप्त हुई है, और यहाँ पर जो एंट्री आपको दिखाई पड़ रही है वह सही है कि नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल सही है तो फिर आपको ये सब वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको पहले अपने संकुल समन्वयक से संपर्क करना होगा। तो इस प्रकार से देखिए, जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है उसके अनुसार से आपको इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से फिर से कन्फर्मेशन आएगा, तो हमको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से फिर स्क्रीन आ जाती है कि रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली।
उसके बाद जो अगला आपको ऑप्शन दिया गया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है वितरण का दिनांक, तो यहाँ पे आप जिस दिनांक को वितरण कर रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पे आपको प्रविष्ट कर देनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्लास वाइज विषयवार आपको कुल दर संख्या आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए लास्ट में शेष किताबों की जो संख्या दिखाई पड़ रही है वह आपको शंकु से प्राप्त पुस्तकों की संख्या है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दर संख्या दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे संख्या आपको ब्लैंक दिखाई पड़ रही है, तो आपने जितने भी पुस्तक वितरण किया विद्यार्थियों को उसकी संख्या यहाँ पे आपको विषय वाइज एंट्री कर देनी है। और यहाँ पर विषय वाइज एंट्री करने के बाद लास्ट में आपको ऑप्शन दिया गया सबमिट, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे कक्षा पहले में दर संख्या 10 है और हमको मान लीजिए हमने 8-8 पुस्तकें वितरण किया है, तो यहाँ पे हम 8-8 दर्ज करेंगे। यदि हमने 10-10 वितरण करी तो यहाँ पे हम 10-10 प्रविष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से वितरण करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, तो इसके पे क्लिक करके आप उसका रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संकुल से प्राप्त पुस्तक को वेरीफाई करने के बाद उसको आप दर संख्या के अनुसार से वितरण भी कर सकते हैं, जिसकी प्रविष्टि आपको ऑनलाइन SSC पोर्टल पे करनी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार छत्तीसगढ़, जय हिंद।